यहाँ पर जो है कहा जाता है कि हम अच्छा आप अगली बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी इन सबको इन बकरियों को आप जो है एमएनए बना दे क्योंकि इनको अपनी बजट पे जो बात तो करनी है नहीं एक्सपेंड ऑल दिस लैंग्वेज बात करनी है नहीं लोगों ने सिर्फ जो है आप बैठ जाएं 26 लोगों को कुत्तों ने काट लिया जिसमें 11 बच्चे थे। तो हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा कहती हैं अभी 10 साल और लगेंगे कुत्तों को काबू करने में। तो 13 साल और पहले लगे 10 साल और लगेंगे कुत्तों को काबू करने में। तो मैं बताना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सिंध के कुत्तों को काबू करके रहेगी और कुछ ही महीनों में इनका काम तमाम करके रहेगी इंशाल्लाह। 10 साल हेल्थ मिनिस्टर साहिबा 10 साल हम वेट नहीं करेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन कुत्तों को काबू करके इस सिंध की जान छुड़वा के रहेगी इंशाल्लाह। अरे बैठो 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 अभी बैठो इन बकरियों को चुप कराएं अभी आप इन बकरियों को चुप कराएं अभी आप बर्दाश्त करें ये माँ भैंस के साथ लेटी हुई है जख्मी थी इसको एम्बुलेंस नहीं दी गई और ये जो है भैंस के साथ ले जाई जा रही है हॉस्पिटल। इन बकरियों को चुप कराएं अपनी तकरीर में जवाब दें। ये थर के बच्चे हमारे जो भूख से आज भी मर रहे हैं और इन इन पक्के के डाकुओं के खाने देखिए आप लाखों करोड़ों रुपए जो है वो सिर्फ एक एक वक्त के इनके कुत्ते जो है खाते हैं वो खाने। तो ये हमारे थर के बच्चे जो भूख से मर रहे हैं। अरे चुप करो अभी आई बड़ी ये कारकर्दगी इनकी न्यूयॉर्क टाइम में जो एक सनती जोन का इफ्तिताह किया लेकिन इन बेचारों को पता ही नहीं है जहाँ का इफ्तिताह किया वहाँ पे कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। 13 साल बाद इस जगह का इफ्तिताह किया गया और 2021 22 जनवरी को इफ्तिताह किया गया मगर इनका कसूर नहीं है। असल में भैंस को सूंड लगा के आप घुमाते रहेंगे हाथी बना के तो फिर ये तो होना है फिर तो इनका कसूर नहीं है। वो सूंड लग के वो हाथी बन के घूम रहे हैं तो इनका कसूर नहीं तो फिर ऐसे तो काम होने हैं जैसी सूंड लगेगी। ये उन्होंने इफ्तिताह किया लाखों करोड़ों रुपए का टीका लगाया। अरे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तो लाज रख लो उनके नाम की तो लाज रख लो उनके शहर की तो लाज रख लो वहाँ के जहाँ से आप लोग वोट लेते हो 90 अरब खरब रुपए लाड़काना को दिए गए कहाँ गए आप सब इन पक्के के डाकुओं के पेटों में गए कहाँ गए वो। ये पूरे सिंध को पता है जैसे इन कुत्तों को काबू किया जाएगा इंशाल्लाह इस करप्शन को भी खत्म किया जाएगा इंशाल्लाह। ये इन्होंने इंशाल्लाह अभी बंद होंगी ये जो है इन्होंने इफ्तिताह किया और इनको कुछ पता ही नहीं है। और असल में इनके साथ लोग ही वो थे ना गधे घोड़ों को पढ़ाने वाले लोग थे इनके साथ जो इफ्तिताह करते वक्त थे पर्स उठाने वाले लोग इनके साथ थे इफ्तिताह के वक्त चाइना का अनिल कपूर इनके साथ था। तो ये ऐसे लोग होंगे तो फिर इफ्तिताह भी ऐसा ही होगा। तो मैं कहना चाहती हूँ कि बीबी के नाम की आप सियासत करते हो भुट्टो के नाम की आप सियासत करते हो वहाँ से आप वोट लेकर आते हो लेकिन आपने खरबों अरबों का आपने लड़काना का जो बजट आपने रखा और जो लिया है 13 सालों में जो आपने खाया है वो कहाँ गया पहले तो उसका जवाब दें। ये सिर्फ नंबरों की हेर फेर है ये सिर्फ नंबरों की हेर फेर है जो ये मोटी मोटी बुक्स लाके हमें दिखा देते लेकिन इनके काम इनकी कारकर्दगी जीरो है। लाड़काना की मैं आज बात करूंगी पूरे सिंध की तो काफी लोगों ने बात की है मैं अपने शहर अपने घर और मोहतरमा के घर की बात करूंगी लाड़काना की वो लाड़काना जिससे पीपल्स पार्टी पहचानी जाती है जहां से मैंडेट लेकर आज यहां पर पक्के के डाकू सारे बैठे हुए हैं। ये लाड़काना का जो अपनी बच्ची को करंट लगने की वजह से घर में उसे करंट लगा उसे हॉस्पिटल लेकर गया और उसके बाद जो है उसकी वहाँ पर उसको सही से देखा नहीं गया काफ़ी देर बाद जो है वो उसका इंतकाल हो गया और उसके बाद उसने एम्बुलेंस अपनी बच्ची की लाश के लिए अपनी ये भी उसकी बख्तावर थी ये भी किसी की आसफा थी ये अपनी बच्ची की लाश के लिए एम्बुलेंस उनसे मांगी जिन्होंने नहीं दी और ये उसके बाद रिक्शा में उसे लेकर जा रहा है। तो यहाँ हम कहेंगे जिए भुट्टो। ये है लाड़काना में माँ बाप जो अपने कुछ माह के बच्चे को हॉस्पिटल के बाहर लेकर बैठे हुए हैं उसकी लाश के लिए भी एम्बुलेंस नहीं दी गई और वो भीख मांग रहा है ये बूढ़ा बाप लोगों से और अपने बच्चे की लाश के लिए एम्बुलेंस के लिए वहाँ से लोगों से पैसे मांग रहा है। इस पर भी हम कहेंगे जिए भुट्टो। ये लाड़काना का नूर मोहम्मद
इसकी बच्ची जो बच्चा जो है रात को देर से उसको हॉस्पिटल में लेकर आए और उसको जो है ऑक्सीजन लगाई गई, जिसकी वजह से, और डॉक्टर साहिबा सनम मक्सी जो रात को वहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी, वहाँ पर बैठी हुई थी, मोबाइल यूज़ कर रही थी, तीन दफ़ा ये वालिद उसके पास गए डॉक्टर साहिबा के पास, सनम मक्सी के पास, कि मेरा बच्चा तड़प रहा है, तकलीफ़ में है, उसको देखें। तीसरी बार जब वो गया तो उसे धक्के देकर निकाला गया हॉस्पिटल से, और उसने कहा कि मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, तो यहाँ डूब मरने का मकाम है इस पूरी पीपल्स पार्टी की, इस पूरी गवर्नमेंट के लिए, कि एक बच्चे को ऑक्सीजन लगा हुआ है और उसके बाद वो सनम मक्सी आती है, उस बच्चे के ऑक्सीजन निकालती है, उस बच्चे को अब उसके बाप के गोद में देकर उसे धक्के देके निकालती है, और उसके बाद वो बच्चा कुछ ही घंटों में मर जाता है। तो यहाँ भी हम कहेंगे जिए भुट्टो। अभी सब्र करो, सब्र करो, हौसला रखो, बर्दाश्त करो। डॉग बाइट केसेस बहुत हैं, डॉग बाइट केसेस जो हैं वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं। मेरी तकरीर में कोई ना उठे, मैं स्पीकर साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, फिर यहाँ पर जो है डॉग बाइट केसेस वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी मैं पुरानी बात नहीं करूंगी, मैं अभी परसों की बात करती हूँ कि 26। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए।